साथ आप क्या कर रहे हैं? माननीय गृह मंत्री जी बयान देते हैं मुजफ्फरनगर में जाके, दंगे याद है ना? चार मिनट बोल चुके हैं, मान्यवर प्लीज, जिसके एक एक मेंबर है, जिसके एक एक मेंबर है, एज पर रूल्स जा रहा हूं, प्लीज, एज पर रूल्स, दस दस एज पर रूल्स, नहीं मेरे साथ न्याय कीजिए सर, एज पर रूल्स, मैंने आपका नाम लेट से आया, मैं आपको अवसर दे रहा हूं, एक एक मेंबर, अगर आप नहीं, अगर आप, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता, मैं रूल्स के अनुसार आपको मौका दे रहा हूं, नहीं तो मैं दूसरे किसी को आमंत्रित करूंगा, दो मिनट में करें, आपको ऑलरेडी चार मिनट बोल चुके हैं, प्लीज। मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के गृह मंत्री, इस भाषण में श्रेष्ठ भारत की बात कही गई, वो भारत श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ रहेगा, लेकिन उस श्रेष्ठ भारत को आप दिन रात पाकिस्तान से डराते हैं। बिहार का चुनाव होता है, पाकिस्तान से डराते हैं, यूपी का चुनाव होता है, पाकिस्तान से डराते हैं, पंजाब का चुनाव होता है, पाकिस्तान से डराते हैं। अरे पाकिस्तान से डराना बंद करो, हम 130 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, हम किसी पाकिस्तान से नहीं डरते। अगर भाजपा के लोगों को डर लगता है तो चुनाव प्रचार में निकलना बंद कर दीजिए, लेकिन पाकिस्तान की चर्चा चुनाव में मत कीजिए। मान्यवर, मैं पूरा भाषण पढ़ रहा था, किसानों का जिक्र आया, गरीब कल्याण योजना का जिक्र आया, आपने उसका बजट न्यूनतम कर दिया, इसका मतलब मार्च तक गरीबों को मुफ्त राशन मिलेगा, चुनाव खत्म, गरीब राशन की योजना खत्म, यह है आपकी योजना। हम सारे लोग श्रेष्ठ भारत को मानते हैं, भारत माता की जय लगाते हैं, लेकिन भारत माता, मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, भारत माता की जय तो तब होगी जब उस मां के 130 करोड़ बच्चे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, सवर्ण हो, जब सब खुशहाल रहेंगे, एक साथ मिलकर चलेंगे, तब भारत माता की सही मायने में जय होगी, जब गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी मान्यवर, अच्छा इलाज मिलेगा मान्यवर, तब ये देश, जब किसान को उसके फसल का दाम मिलेगा, तब भारत माता की जय होगी। इसलिए जो भाषण में आपने लिखा, जो बात आपकी सरकार की ओर से कहलवाई गई और जो आपका कर्म है, उसके बारे में एक ही बात कहना चाहता हूं कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। थैंक यू, तेरी रहबरी पर सवाल है। थैंक यू माननीय विनय विश्रम जी, अंतिम एक मिनट सर, मैं खत्म कर रहा हूं सर, एक मिनट नहीं, आप कंक्लूड करें, अंतिम एक मिनट में खत्म कर, एक मिनट नहीं दे सकते, सॉरी, माननीय विनय विश्रम जी, मैं खत्म कर रहा हूं सर, खत्म कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, चुनाव मुद्दों पर लड़िए, देश का माहौल मत बिगाड़िए, देश को नफरत की आग में मत झोंकिए, देश को इस चुनाव